नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। बड़ी चर्चा, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में उन्हीं लोगों को तरजीह दी है जो आगामी विधानसभा के पिच पर पूरी तरह से फिट दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि बड़े नामों के बजाय सामाजिक समीकरणों को प्राथमिकता दी गई है। तीन पिछड़े, तीन दलित और एक ब्राह्मण बिरादरी के मंत्री के साथ ही भाजपा ने क्षेत्रीय संतुलन भी साधा है। नए चेहरों में से दो कुर्मी बिरादरी से आते हैं और एक अनुप्रिया पटेल और दूसरी बीएल वर्मा। तीन दलित मंत्रियों में कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा और एसपी सिंह बघेल 2014 से ही गैर जाटवों के वोट बसपा से छिटक कर भाजपा में जुड़ा है। अति पिछड़ों, दलितों की, उजातियों की भागीदारी का ये गुलदस्ता सत्ता का गुलदान सजाने में काम आएगा। एक और नाम एसपी सिंह बघेल से पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके और इन प्रभाव पाल बिरादरी में ज्यादा रहा है। वहीं अजय मिश्र टेनी अवध से आते हैं और इस बेल्ट से केंद्रीय मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों की पहले से भागीदारी नहीं थी। तो जातीय समीकरण साधने की, क्षेत्रीय जातीय और राजनीतिक समीकरण साधने की कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर दी है। तो मोदी 2.0 में किन्हें जगह मिली है, आप इन ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। अनुप्रिया पटेल शामिल हुई हैं, भानु प्रताप, ये तमाम नाम है, बीएल वर्मा, कौशल किशोर को भी शामिल किया गया है, पंकज चौधरी महाराजगंज से छठी बार सांसद बने हैं, एसपी सिंह बघेल भी शामिल किए गए हैं। तो एसपी सिंह बघेल सपा और बसपा से होते हुए भाजपा में आए, फिर बघेल ने आगरा से सांसद बने हैं। कौशल किशोर भी आपको बता दें कि मोहनलालगंज से दूसरी बार भाजपा से सांसद बने हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल अपना दल राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जापुर से दूसरी बार सांसद बनी है। तो इन तमाम नामों को जोड़ना भाजपा में कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव है तो जरूरी भी हो जाता है इन नामों को जोड़ना। लेकिन किस हद तक ये चुनावी समीकरण जो बैठाने की कोशिश की गई है, ये किस हद तक कारगर साबित होंगे, क्योंकि बड़े कई नाम ऐसे थे वरुण गांधी से लेकर रीता बहुगुणा तक जिनके कई ज्यादा आस थी इस मंत्रिमंडल में शामिल होने की, लेकिन उन्हें नहीं रखा गया और उससे पहले 7 इस्तीफे। बड़ा राजनीतिक हलचल और इसके बीच एक बड़ी चर्चा को आगाज करते हैं कि क्या लगता है कि जो ये राजनीतिक समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है वो कितनी कारगर साबित होगी उत्तर प्रदेश में। तो हमारे साथ इसी पर जुड़ चुके हैं सपा नेता विवेक पांडे, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं केसी जैन और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलीप यशवर्धन जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले विवेक जी आप पर आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा सपा और लगातार आपने जिस तरह से देखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया है उसमें राजनीतिक जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है, जो लोग नाराज थे, जो वर्ग नाराज थे उनको मनाने की कोशिश की गई है, संगठन में नाराजगी की बात आ रही थी तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के लिए ये तमाम नाम सामने आए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष की अब इसके बाद जो तैयारियां हैं वो फीकी पड़ेंगी और कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ सकती हैं इसको लेकर? बहुत ही दुख की बात है कि आज आप एक विषय वस्तु पे बात कर रही हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इसको अपना ओपनिंग स्टेटमेंट बनाऊं। बहुत दुखद बात है इस सरकार के लिए, सबसे पहले तो कि आप दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं। चलिए वो हर सरकार का अपना विषय होता है, व्यक्तिगत विषय होता है, मंत्रिमंडल विस्तार हर सरकार का अधिकार है, लेकिन इसी प्रक्रिया में एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे थे आप और दूसरी तरफ यूपी के जंगल राज्य में एबीपी न्यूज के पत्रकार पंडित नित्य मिश्र को पुनः पूरी तरह से पीटा गया है। अभी कुछ दिन पहले एबीपी के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव जी का मसला भी ठंडा नहीं पड़ा। इसी प्रकरण में कन्नौज के सौरिक विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख चुनाव कवरेज करने गए, जिस तरह से पंडित नित्य मिश्र को पुलिस ने पीटा, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और पूरे पत्रकार समुदाय को जिस तरह ये सरकार प्रभावित करने की
चेष्टा कर रही है, प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि इनको सबसे पहले मुझे लगता है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आना चाहिए, जो कि सबसे मूलभूत आवश्यकता हो गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले, अभी चार दिन पहले की बात है, मिर्जापुर के अवघाट गांव में निजी चैनल के महिला पत्रकार कंचन बिद को भी पुलिस ने पीटा था। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जहां भी ये पीटा, जो भी ये घटनाएं हुई है, अधिकतर वहां पे पुलिस उपस्थित थी दोनों घटनाओं में। तो ये बड़े दुख का विषय है। कीर्ति जी, आप भी पत्रकार है, तो मुझे सबसे ज्यादा तो आप लोगों की पहले तो सुरक्षा की चिंता है इस जंगल राज्य में। अब आते हैं विषय की बात, तो देखिए मैं आपको बता दूं, आगामी चुनाव 2022 ये उनका आंतरिक विषय है कि वो किस प्रकार से वोटों को प्रभावित करने के लिए, लुभाने के लिए जनप्रतिनिधियों की जमात इकट्ठा कर रहे हैं। अब इंजन ही खराब है तो डब्बे कोई ना कितने भी नए लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगामी चुनाव को एक बात ध्यान रखिएगा, ये मुद्दों का चुनाव है, इसमें आप किसी को भी ले आइए, लेकिन जनता किसी एक बिरादरी की नहीं होती, एक संप्रदाय की नहीं थी और ना ही किसी एक समुदाय की थी। ये जनता अपने लोगों को खोने का दुख और पीड़ा याद रख रही है। ये जनता जो इनके स्वांग बेरोजगारी के आंकड़े हैं, उन उस स्वांग के आंकड़ों की जो परिधि है, उसमें हर बिरादरी, हर वर्ग के बच्चे हैं। तो ये आगामी चुनाव 2022 का देखिए मुद्दों का चुनाव है। ये वो समीकरण ध्वस्त कर देगा जहां पे केवल जातिगत बातें होती थी, ये वो समीकरण ध्वस्त कर देगा जहां पे केवल परंपरा की बातें होती थी, संगठन की बातें होती थी। क्योंकि आगामी चुनाव में, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, ये कितने भी चेहरे ले आए, जैसे अनुसूचित जाति मोर्चे प्रदेश अध्यक्ष को ले आए हैं, भानु प्रताप सिंह वर्मा को ले आए, एसपी सिंह बघेल को ले आए, पंकज चौधरी जी को ले आए, अनुप्रिया पटेल जी को ले आए, कहीं कुर्मी बिरादरी है, कहीं गैर जाटो बिरादरी, कहीं दलित जाति। लेकिन एक बात मत भूलिएगा, किसान आज भी आंदोलन में बैठा हुआ है, हर संप्रदाय, हर बिरादरी का किसान वहां है। दूसरी बात, इनके जो 4.5 लाख नौकरियों का जुमला है वो ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि लगातार बापू भवन के बाहर और केशव प्रसाद मौर्य जी के घर के बाहर अभी कुछ दिन पहले बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज की गई जिस तरह से। तो युवाओं को भर्ती के नाम पे जिस प्रकार से केवल और केवल एक जुमला दिया गया है, ये आगामी चुनाव, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, ये मुद्दों का चुनाव होगा और इसमें केवल मुद्दों की बातें होंगी, प्रदेश के विकास को लेकर, रोजगार को लेकर के, महंगाई को बात करें। हालांकि क्या करें, चुनाव आता है, जाति की बात होती है, लेकिन कहीं जाति जाति ही नहीं है ना, दिक्कत तो यही है विवेक जी। ठीक है, हमने तो मुद्दे उठा लिए, हमने तो मुद्दे शुरू कर दिए अपने और मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं। 10 लाख नौकरियों का एजेंडा हमने पहले ही उसमें रख लिया आपने, हम तो मुद्दों पे बात करेंगे, आप मुद्दों पे बात करें। ठीक है, कैसी जान जी, केसी जैन जी, विवेक जी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दों को भटकाने के लिए, जो मुद्दे हैं, अगर जनता अभी भी उन्हीं पर है और जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल से लेकर जो भी आपकी दिक्कतें सामने आई हैं जनता के सामने, उस पर रख के वो चुनाव में जीत और हार का फैसला करेंगे। हालांकि लगातार विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए, जातीय समीकरण बैठाने के लिए ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। देखिए, यहाँ पर दो चीजें, पहली बात तो ये कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और इस नए मंत्रिमंडल में युवाओं को तरजीह दी गई, महिलाओं को तरजीह दी गई और खास करके जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको तरजीह दी गई, तो अभी तक जो पार्टियां, जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था कि आप पिछड़ों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप दलितों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, और जब इस मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा पिछड़े और दलितों को अवसर दिया गया है, तब भी उनको पीड़ा है। दरअसल जिन पार्टियों की राजनीति शून्य पर आ गई है, उन्हें इस बात की पीड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर किस प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है, लेनी है इसलिए तो जात के मुद्दे होते हैं। कैसी जान जी, यही तो आपने कहा कि हम पिछड़ा वर्ग को सम्मान नहीं दे रहे थे, दलितों को सम्मान नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, कैबिनेट में तो शामिल नहीं किया, राज्य मंत्री बना दिया। देखिए, बात राज्य मंत्री और कैबिनेट की नहीं है, कैबिनेट में भी बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है और लगभग 47+ करिए ना, 7 चेहरों में किसे शामिल किया गया है जी? उत्तर प्रदेश की बात करिए, 7 चेहरों में किसे शामिल किया गया है कैबिनेट में? उत्तर प्रदेश, बात प्रदेश की अगर करें तो 19 ज्यादा प्रदेश के लोगों को इसमें शामिल किया गया है, इसमें अवसर दिया गया है और हर एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश में के सबसे ज्यादा मंत्री हैं, लगभग 16 मंत्री केंद्र में जब उत्तर प्रदेश के हैं और 7 नए मंत्री इसमें शामिल किए गए हैं, और जब 16 मंत्री पहले टोटल मिलाकर के 16 मंत्री हो जाते हैं, तो क्या कैबिनेट तो उत्तर प्रदेश के लोग नहीं है? तो सबसे ज्यादा नेतृत्व जब उत्तर प्रदेश को पहले से ऑलरेडी मिल रहा है, तो ये कहना कि आप राज्य मंत्री बनाए, आप
जो है कैबिनेट मंत्री बनाए उस तरीके से अगर विभाजन करते रहेंगे, फिर जातियों पर उतर जाएंगे कि आप जो है दलित में से इसी जात के लोगों को बनाया और इसी जात को ये लोगों को नहीं बनाया, तो इस तरीके से तो पूरा मंत्रिमंडल अगर ले लेंगे तो एक वर्ग भी पूरा अगर करना चाहे तो नहीं हो सकता है, जितनी कैपेसिटी मंत्रिमंडल में लोगों की है, क्योंकि हम 80 से ज्यादा मंत्री मंत्री मंत्रिमंडल में नहीं रह सकते हैं, मंत्रिमंडल में नहीं रह सकते हैं, लेकिन राज्य मंत्री बना सकते हैं, केंद्रीय विस्तार कर सकते हैं, और ये सिर्फ एक दिखावा भी किया जा सकता है। देखिए देखिए, पहले पहली बात तो ये कि मुख्य बात हटी जा रही है इस तरीके की बातचीत में। देखिए, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, और दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल की जो रूपरेखा संविधान के द्वारा तय की गई कि प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए और जनता के कार्यों को सही ढंग से निष्पादित करने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता है, और जितने मंत्रालय हैं जो कि मंत्रिमंडल जो पुराने मंत्री थे क्या उनके अंदर ये मनोबल नहीं था, वो इस तरह से काम नहीं कर रहे थे जिन्हें हटाया गया है? नहीं नहीं, देखिए एक एक मंत्री के पास कई कई विभाग थे, और जिनको हटाने की बात है ये कांग्रेस पार्टी की तरीके से या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के तरीके से एकाधिकार नहीं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने। संतोष गंगवार को क्यों हटाया गया? 8 बार के एमपी रह चुके हैं, वो सांसद रह चुके हैं, उसके बावजूद उनका क्या स्थिति है ये आप भी जानते हैं, उसकी जगह अनुप्रिया पटेल भी है। संतोष, देखिए अगर कोई हटेगा नहीं तो नए लोगों को अवसर कहाँ से मिलेगा, अगर नए लोगों को अवसर दिया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल और बीएल वर्मा को आपने शामिल उनकी जगह पर रखा, एक बड़ा चेहरा थे। देखिए संतोष गंगवार एक बड़ा चेहरा, एक सम्माननीय चेहरा। देखिए बड़ा चेहरा बनाया किसने? बड़ा चेहरा पार्टी ने बनाया, आज ये नए चेहरा है, कल को ये भी बड़ा चेहरा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी बड़ा चेहरा बनाती है, इंसान की भागीदारी मेन नहीं रहती है, इंसान के कार्य, इंसान की सफलता हासिल कहीं कुछ नहीं होता है। अगर आपने आज अनुप्रिया पटेल को शामिल किया है तो जातीय समीकरण साधने के लिए, जो उनके वोटर्स है उन्हें साधने के लिए आपने किया है ना? नहीं नहीं, कि आपने उन्हें बड़ा चेहरा बना दिया शामिल करके। पूरी बात सुन लीजिए मेरी, आपका प्रश्न आ गया, मेरा जवाब भी सुन लीजिए, तो आप जवाब सही देंगे तो सुने जी। हमारे जितने भी घटक दल हैं उनका सबका हम सम्मान करते हैं, इससे ये मैसेज सीधे जाता है, चाहे ज्योतिराज सिंधिया हो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, हम सबको सम्मान दे रहे हैं। जो पार्टी के हमारे जो संगठन में जो लोग आए हैं या हमारे जो संगठन के दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए 2 के जो भी घटक दल हैं, उनको सबको हम सम्मान दे रहे हैं ये बताना चाह रहे हैं, और महिलाओं को हम सम्मान दे रहे हैं ये बताना चाह रहे हैं। अब ये कहना कि आप जात विशेष, हर व्यक्ति किसी ना किसी जात का है, जिसको बनाएंगे फिर ये होगा कि आपने इस जात को साधने के लिए इस व्यक्ति को बनाया। भाई जिस किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा उसके पीछे कोई जात तो लगी ही है, फिर ये होगा कि आपने फला जात को साधने के लिए बनाया, और फिर अगर हमने जाति और वर्ग के लोगों को सम्मान दिया तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है कि हर जाति का हर संप्रदाय का नेतृत्व होना चाहिए और उसको मंत्रिमंडल विस्तार में सबको जगह दी गई है, लेकिन ये भारतीय जनता बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन जब बात आती है मंत्रिमंडल विस्तार की तब मेरिट की बात आ जाती है, योग्यता के आधार पर देना चाहिए, ना कि जातीय समीकरण साधते हुए देना चाहिए, ये भी अहम हो जाता है। मेरिट के आधार पर दीजिए ना, व्यक्ति की योग्यता के हिसाब से दीजिए ना आप जगह। देखिए व्यक्ति को जब अवसर मिलेगा काम करने का तभी व्यक्ति के व्यक्तित्व निखरेगा, तब पता चलेगा उसके अंदर कैपेसिटी है या नहीं है। अगर हम जिम्मेदारी किसी को नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा उसके अंदर क्या कैपेसिटी है? दूसरी बात यह कि अन्य पार्टियों की तरह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यहाँ पे कौन अध्यक्ष कल को हो जाएगा किसी को नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अमित शाह जी हुए कौन जाता था, अमित शाह अध्यक्ष हो जाएंगे? ठीक है, कैसी जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो बहुत सारे लक्ष्मण थे उनके, अगर भगवान राम की तरीके से थे तो उनके लक्ष्मण बहुत सारे थे। ठीक है, कैसी जाएंगे? हमने आपकी बात सुन ली। ठीक है, अवसर किसको मिला? अवसर मिला अमित शाह जी को जी, बिल्कुल। अमित शाह जी के बाद नड्डा जी को अवसर मिला, तो यहाँ तो आम कार्यकर्ता। लेकिन यहाँ पे ये भी जरूरी हो जाता है कि 2022 के चुनाव है तो चुनाव के लिए वोट बैंक भी हासिल करना है, तो दायित्व है ना फिर, तो ये भी तो जरूरी बन जाता है, इसमें क्यों नहीं बात? नहीं है, कभी माँ अध्यक्ष हो गई कभी बेटा अध्यक्ष हो गया, यहाँ पे किसी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, यही भारतीय जनता पार्टी में अन्य पार्टियों में यही अंतर है। और वो जिम्मेदारी सुनिश्चित करी जाएगी चुनाव के आधार पर, नाराजगी के आधार पर, संगठन को मजबूत करने के आधार पर, वही किया जा रहा है। ठीक है केसी जैन जी, ठीक है मैंने सुन लिया आपकी बात को, आप पे मैं दोबारा आऊंगी। दिलीप जी मैं आप पर आना चाहती हूँ, आपने पूरी बातें सुनी होंगी केसी जैन जी की और विवेक जी की भी, आपको क्या लगता है जो ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, हालांकि हमेशा ये कहा भी जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब क्या फैसला ले लेंगे ये कहा नहीं जा सकता, और उनके हमेशा फैसले ऐसे ही होते हैं जो चौंकाने वाले होते हैं। उसी तरह से एक बार फिर, हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया लेकिन राज्य मंत्री बना दिया गया, कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। वहीं संतोष गंगवार का इस्तीफा बड़ी बात है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना एक बड़ा
ज्यादा संकेत यही है चर्चा का कि क्यों उन्हें शामिल नहीं किया गया 8 बार से एमपी। कीर्ति जी, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं राजनीति का विश्लेषण हमेशा सोशल प्रिंसिपल्स के आधार पर और कानून के आधार पर करूं। जी, इस देश का कानून ये कहता है कि भारत की जनता वोट दे करके भारत की सरकार बनाती है, लेकिन ये गलत है। भारत की जनता सरकार नहीं बनाती है, भारत की जनता सांसद और विधायक बनाती है। जी। उन सांसद और विधायक में से कौन और सरकार का जो वास्तविक मीनिंग होता है वो होता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा और विभागीय मंत्री किसको बनाया जाएगा, इसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है। तो मैं ये टंके की चोट पे कहता हूं कि जो प्रजातंत्र की परिभाषा है वो परिभाषा गलत है। इस देश का प्रजातंत्र सरकार नहीं बनाता है, वो सिर्फ जनप्रतिनिधि को चुनता है। अब मेरा मुख्यमंत्री कौन होगा इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा चिकित्सा मंत्री कौन होगा, मेरा एविएशन मिनिस्टर कौन होगा इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा शिक्षा मंत्री कौन होगा इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हो सकता है एक अनपढ़ आदमी को शिक्षा मंत्री बना करके बैठा दिया जाए। अब आती है बात जो ये कल आदरणीय मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, जो सफलिंग करी है। सफलिंग करने में कोई बुराई नहीं है, सफलिंग अगर आप एक सामाजिक दृष्टि से करते हैं, एक डेवलपमेंट की दृष्टि से करते हैं, एक बदलाव लाने की दृष्टि से करते हैं, तो इस दृष्टिकोण का हमेशा स्वागत है। लेकिन ये स्वागत तब है जब ये बदलाव देश हित और जनहित के आधार पर किया गया हो, जो पूर्णतया सही नहीं है कल के मंत्रिमंडल विस्तार के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि कल का जो मंत्रिमंडल विस्तार है, अगर आप अभी केसी जैन साहब कह रहे थे कि योग्यता के आधार पर नया मंत्रिमंडल बनाया गया है, अगर और नए लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा तो वो काम कैसे करेंगे। अरे अगर ऐसी बात थी तो केसी जैन साहब को बना देते, इतने अच्छे प्रवक्ता हैं ये, इनको कम से कम आईएनबी का मंत्री बना देते, ये अच्छा करते। मैं जानता हूं इनकी योग्यता को, नहीं पिछली बार अनुप्रिया पटेल की योग्यता नहीं दिखी थी। अब आप देखिए इस बार दिख गई। रविशंकर प्रसाद जी के काम में क्या कमी थी, डॉक्टर हर्षवर्धन के काम में क्या कमी थी, नहीं वो तो बहाना बना दिया ना दिलीप जी, वो तो बहाना बना दिया कोरोना का, लेकिन जय प्रताप सिंह कहीं नहीं दिखे। तो इसका मतलब कोरोना में सरकार विफल रही है, अगर ये मान रहे हैं तो इसका मतलब कोरोना में परफॉर्मेंस खराब थी। तो फिर क्यों ये डंका पीट रहे थे कि कोरोना में हमारे मंत्रालय ने बड़ा अच्छा काम किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो लोगों जनता को सलाह दे रहे थे कि डार्क चॉकलेट खाइए से डिप्रेशन कम होता है, अब इसकी जरूरत उनको पड़ गई है, अब वो डार्क चॉकलेट खाएं और बताएं कि वाकई में डिप्रेशन कम होता है या नहीं होता है, ये डॉक्टर हर्षवर्धन अब प्रैक्टिकली करके बताएंगे। पोखरियाल साहब जो थे उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में ऐसा क्या खराब काम कर दिया, अभी तो आप नई शिक्षा नीति उन्हीं के मंत्रालय में उन्हीं की गाइडेंस में लेकर के आ रहे थे, अभी वो शिक्षा नीति लागू भी नहीं हुई और आपने उनको हटा दिया, तो इसका मतलब आपके वो मंत्री भी काम नहीं कर रहे थे। तो आपने ये जो फेरबदल किया है ये पर्दे पे तो यही लिखा है कि देश के डेवलपमेंट के लिए और जनता की भलाई के लिए किया है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं इतर है। वास्तविकता ये है कि 2022 में और 2024 में जो केंद्र के चुनाव आने वाले हैं उसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश करी गई है। अभी कोरोना काल में सर्वविदित है कि कौशल किशोर जी ने अपनी सरकार को खुलेआम धमकी दी थी कि बहुत मिसमैनेजमेंट है मेडिकल सुविधाओं को लेकर के, और अगर ये सही नहीं हुई तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगा। वहां तो दिलीप जी लोकतंत्र का हवाला दे दिया ना कि लोकतांत्रिक है हमारी पार्टी, सबको आवाज बुलंद करने का मौका देती है। बता दूं आपको जी कीर्ति जी, मैं कौशल किशोर जी की योग्यता भी बता दूं, कौशल किशोर जी में ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि उनको यहां से सांसद से हटा करके जानता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले जाए, ऐसा कोई योग्यता नहीं है। आप उनकी योग्यता उनके क्षेत्र में जाकर के पूछ लीजिए, उनके क्षेत्रवासी बताएंगे वो कितने योग्य है। उनकी योग्यता पर उनको नहीं चुना गया है, उनकी जाति के आधार पर उनको चुना गया है। और इस देश में सबसे बड़ी विडंबना है ये सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ है कि यहाँ जनता को बेस नहीं बनाया जाता, यहाँ समाज को बेस नहीं बनाया जाता, यहाँ देश के आधार पर काम नहीं होता है, यहाँ जातिगत समीकरण के आधार पर काम होता है कि इनको उठा करके यहां से यहां बैठा दो तो इनके वर्ग के लोगों को हम साथ लेंगे। कुल मिलाकर के चेंज करिए, आपका अधिकार है, संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है, लेकिन अगर इस चेंज से मुझे, मैं जनता हूं इस देश की, सामान्य जनता हूं, अगर मुझे मेरी स्थिति में बदलाव नजर आता है तब तो ये बदलाव बहुत अच्छा है, वरना मुझे इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल दिलीप जी, कहीं ना कहीं ये तो जरूरी हो जाता है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां बदलाव किए जाए, और जिन चुनाव जहां पर हो चुके हैं वहां पर इस्तीफा ले लिया जाए तो क्या ही जा रहा है, क्योंकि हमने अभी तो चुनाव जिन राज्यों में फोकस वहां पर करना जरूरी है। विवेक जी आपका क्या कहना है, जिस तरह से कोरोना के कुप्रबंधक को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जयप्रताप सिंह और सुरेश खन्ना को कहीं छुआ तक नहीं गया, देखा तक नहीं गया उनकी तरफ। देखिए कीर्ति जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये
इनकी भाजपा की राजनीतिक दल का आंतरिक मामला है। हमारे विपक्ष में होने के कारण हमारी किसी भी टिप्पणी को ये एक आरोप या प्रत्यारोप की नजर से ही देखेंगे। लेकिन फिर भी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये खबर मेरे सामने आई कि जावड़ेकर जी, रविशंकर जी को खराब परफॉर्मेंस के कारण हटाया गया। ट्विटर शायद भारी पड़ गया होगा, सोशल मीडिया भारी पड़ गई, लेकिन ईरानी, स्मृति ईरानी जी का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था कि वो अभी तक मंत्रालय में बनी हुई है। चलिए, बहरहाल इसका यह आंतरिक मामला है, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर बता दूंगा कि जिस प्रकार का ध्वस्तीकरण कोरोना की दूसरी लहर में देखा गया और जिस प्रकार से तीसरी लहर में लगातार ये पुनः आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और जिस तरह से ब्लैकलिस्टेड फर्मों से ये उपकरण खरीद रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनता की गाड़ी कमाई को ही फिर से अपने स्विस बैंक के अकाउंट तक पहुंचाने में पूरी तरह से कारित है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा आगामी 2022 का चुनाव देखिएगा, ये ऐसा एक ऐतिहासिक चुनाव होगा जो मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा। आप किसी की छवि सुधार में किसी से जबरदस्ती ये नहीं कहलवा सकते हैं कि वो बहुत बढ़िया है क्योंकि वो आपके समाज से आता है। ये आप किसी की मानसिकता को तब बदल सकते हैं जब आप उसके लिए कुछ करते, कुछ करके दिखाते उस समाज के लिए। इनके अधिकतर विधायक, इनके अधिकतर नेता पूरे कोविड काल में ना कहीं दिखाई दिए ना कहीं सुनाई दिए जमीनी स्तर पे। दूसरी बात, जनता जब आपसे सहायता मांग रही, लेकिन विवेक जी वो इससे भी तो वाहवाही लूट लेंगे ना कि देखिए हमने डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा ले लिया, कोरोना के टाइम पे कुल प्रबंधन था तो इसलिए हमने इस्तीफा ले लिया, स्वास्थ्य मंत्री का ले लिया, कितने इस्तीफे। आपने जो मुद्दों की बात की नहीं तो वो जब लेने का, जब आपको सही निर्णय लेने का समय था। मैं आप पर आ रही हूँ, एक सेकंड, मैं आप पर आ रही हूँ। 100 मंत्रियों से इस्तीफा एक साथ दिया था, 100 मंत्रियों की लाल बत्ती एक साथ गई थी और फिर उनका थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे प्लीज, मुझे आवाज ठीक है। केसी जैन जी, मैं आप पर आ रही हूँ, 100 मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया था एक साथ, उसकी बात कर रहे हैं केसी जैन जी। तो मोदी सरकार तो कहती थी, मोदी सरकार में तो मंत्री कहते थे कि ये मोदी सरकार है, यहाँ तो मंत्रियों के इस्तीफे ही नहीं होते हैं। आज तो मोदी सरकार अपने ही जो नियम कायदे कानून जिनको आधार बना करके मंच से बड़े बड़े भाषण देती थी, आज वो उन्हीं नियमों को दरकिनार कर रही है। पंचायत चुनाव में मोदी सरकार पारदर्शिता की बात करती थी, जो आंखों से दिखाई देता है वो तो अंधा नहीं माना जाएगा ना कीर्ति जी। जिस प्रकार से इनके पुलिस के अधिकारी अय्याशी करने में होटलों में पाए जा रहे हैं, एक खबर चल रही है, वीडियो वायरल हो चुका है इनके, एक पुलिस के कर्मियों का और पुलिस के कर्मचारी जिला पंचायत चुनाव लड़वा रहे हैं, तो आप इनसे किस चीज की उम्मीद करती है? लोकतंत्र अगर ये है तो संवैधानिक लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के माध्यम से ठीक है। हम केसी जैन जी पर जाने जाते हैं, केसी जैन जी, अच्छा आप ही बता दीजिए, स्पष्ट कर दिए कि डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा लिया गया, लेकिन जय प्रताप सिंह और सुरेश खन्ना पर क्यों नहीं गाज गिरी, उन तक तो नजर भी नहीं पहुंची। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री, आईटी विभाग, शिक्षा मंत्री, इतने सात इस्तीफे, क्या जरूरत है सियान पड़ी? उत्तर प्रदेश से ही 60 से ज्यादा हमारे सांसद हैं। अगर इस तरीके से बात करेंगे तो ये होगा उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को लिया, बाकी लोगों को क्यों नहीं लिया? ये तो उनसे सीनियर मंत्री जो है सांसद है। केसी जैन जी, मैं कोरोना के कुप्रबंध की बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए, पहले आप प्रश्न सुन लीजिए। डॉक्टर हर्षवर्धन को इसी वजह से इस्तीफा देना पड़ा ना कि कोरोना में कुप्रबंध था? तुलना नहीं होती है, ये जो है उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी प्रबंध था, टीम 9 की बैठक जो हो रही थी उसमें बहुत अच्छा प्रबंध किया गया था। कि अपने मंत्रालय मंत्री के भ्रष्टाचार को उजागर है, जो हमारी अंत्योदय नीति है, सबका साथ सबका विकास की नीति है, 19 से ज्यादा प्रदेश के सबका साथ सबका विकास, तभी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जो आपसे नाराज चल रही थी उसके 3 मंत्री आपने मंत्रिमंडल में शामिल कर दिए, त्रिपुरा से किसी को नहीं बनाया जाता था। केसी जैन जी, जवाब तो दीजिए जी, जो आपकी अनुसूचित जाति लगातार आपके बारे में कहा जा रहा था कि भाजपा से नाराज चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए 3 मंत्री आपने खड़े कर दिए, तो जातीय समीकरण नहीं है आपकी तरफ से? नहीं देखिए, ये तो देखने का अपना अपना नजरिया है। और दूसरी बात, अच्छा ठीक है, अनुप्रिया पटेल को आपको पिछली बार अनुप्रिया पटेल की याद नहीं आई, अब एकदम से कैसे आपको लगा कि मंत्रिमंडल में उनको शामिल करना चाहिए? जब उनकी नाराजगी हुई उसके बाद क्यों जरूरत पड़ गई? नहीं नहीं देखिए, नाराजगी की बात यह है, अगर नाराजगी से डर होता तो आप जो बात स्वयं कह रही, जो बात मीडिया कह रहा है कि इतने मंत्रियों को, इतने ताकतवर मंत्रियों को हटाया गया, वो चाहे जावड़ेकर हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, या कानून मंत्री हो, या अन्य लोगों को जो हटाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति में काम नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी किसी के दबाव में नहीं है, ना वो अनुप्रिया पटेल के दबाव में, ना संजय सिंह के दबाव में। संजय सिंह बार्गेनिंग करते रहे कि हमको डिप्टी सीएम बनाया जाए, हमारी उनके तो बेचारे की आपने सुनी भी नहीं, उनको तो भटकने दिया, आपने कहा गलियों में भटकिए, वो आज भी भटक रहे हैं कि शायद उनके बेटे को, उनको मुख्यमंत्री का पद और उनके बेटे को सांसद बना दिया जाए।
मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, वो तो आज भी घूम रहे हैं। केसी जैन जी, आपने अभी पत्रकार को पिटवाया है, पुराने कार्यकर्ताओं ने उस पे भी दो शब्द कहेंगे कुछ, कम से कम राष्ट्रीय पटल पे बैठ के पत्रकारों से माफी तो मांग लीजिए भाजपा की तरफ से। 25 से 80 के अंदर लोगों को ही रखा जा सकता है, ऐसे में जो नए लोगों को अवसर दिया गया है उसका उद्देश्य यही है कि समाज और सरकार के बीच में तारतम्य स्थापित हो, सरकार के कामों को जमीन तक। केसी जैन जी, संख्या बल के मुताबिक अगर आप बात करेंगे तो मंत्रिमंडल का बहुत अच्छे से विस्तार कर दिया उन्होंने, मंत्रालयों को बहुत अच्छे से बांटा है। मंत्रिमंडल का विस्तार इसीलिए किया गया है कि जिनके पास कई कई विभाग थे उनकी जिम्मेदारी कम करके नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, विभाग के ऊपर भार कम होगा, एक व्यक्ति के ऊपर भार जिसमें कम पिछड़ा वर्ग की नाराजगी, दलितों की नाराजगी और एक ब्राह्मण वोट तो जोड़ ही दिया आप लोगों ने। नहीं, किसी क्यों मेरिट योग्यता के आधार पर नहीं चुना फिर? ये लोग 14 में भी कह रहे थे विपक्ष के लोग कि सब लोग नाराज हैं, और 19 में सरकार भी बनाए, 14 के बाद में केंद्र में सरकार भी बनाए, और उसके बाद में 24 में फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, तो कहाँ पे नाराजगी है? और 2017 में उत्तर प्रदेश में पूर्व मोहम्मद की सरकार हमने बनाई, ये तो 14 में ही कह रहे हैं सब लोग नाराज है, ये जाति नाराज है, वो धर्म नाराज है, जाति और संप्रदाय के बल पे जो लोग पार्टियां और सरकार बनाते रहे। ठीक है केसी जैन जी, उनको काम दिखाई देता, उन्हें नाराजगी नहीं, काम दिखाई देता, यही तो जनता वो तो चुनेगी क्योंकि उन्हें काम दिखाई दे रहा है, या आपने जो एक पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और पूरा मॉडल चेंज करने की कोशिश की है? इवेंट नहीं जी, हमने सब हर समाज का हर वर्ग का, ये तो कोरोना के चलते रुका हुआ था केसी जैन जी, वरना इवेंट तो काफी समय से ऑर्गेनाइज हो रहा था, ये तो कोरोना का धीमी पड़ी रफ्तार वैसे ही सब सामने, ये तो मंत्रिमंडल विस्तार की बात और चर्चाएं और इसके को लेकर कयास तो काफी समय से लगाए जा रहे थे, ये तो आप भी जानते हैं। ठीक है दिलीप जी, मैं आप पर आना चाहता हूं, होना ही होना था ठीक है, मंत्रिमंडल का अगर विस्तार हुआ तो इसकी विपक्ष को पीड़ा किस बात की है? ठीक है दिलीप जी, आपको क्या लगता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में एक जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है लोगों को, क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों तक वो संदेश चला गया है कि जिसको लेकर बीजेपी ने पूरा ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इसको लेकर तमाम मंत्रियों के फेरबदल, इस्तीफे का दौर, तमाम चीजें की गई? कीर्ति जी, जिनकी मानसिकता जाति पर आकर के केंद्रित रहती है उनको तो ये संदेश चला जाएगा, अनडाउटली संदेश चला जाएगा कि एससी एसटी ओबीसी ब्राह्मण सभी को साधने की कोशिश करी गई है, जैसे जितिन प्रसाद को ब्राह्मण का बड़ा चरा कह के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया गया लेकिन उनको कुछ नहीं दिया गया, उनके जगह एक ब्राह्मण चेहरे को हाईलाइट कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण चेहरे को मंत्रालय में स्थान दे दिया, सिंधिया साहब को उन्होंने बड़ा मंत्रालय दे दिया क्योंकि वो भी कांग्रेस से टूट करके आए थे, तो इसी बात पर वो जितिन प्रसाद को कम से कम लॉलीपॉप तो दे पाएंगे कि देखो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो पहले आया था उसको पहले मंत्रालय मिल गया, आप आए हैं थोड़ा इंतजार करिए, अभी 2024 में टाइम है, 2024 में अगर आपके चेहरे का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला तो आपको 2024 में मंत्रालय मिल जाएगा, तो कम से कम जितिन प्रसाद इसीलिए टिके रहेंगे और ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश करेंगे। देखिए कुल मिलाकर के कीर्ति जी, मैं ये कहता हूं कि बदलाव से कोई दिक्कत नहीं है, रीशफलिंग से कोई दिक्कत नहीं है, ये डिस्क्रिशन है प्रधानमंत्री का और रूलिंग पार्टी का कि वो किसको लाकर के मंत्रालय में बैठा ले और किसको हटा दे, लेकिन ये पारदर्शिता जो दिखाने की कोशिश करी जा रही है पारदर्शिता वास्तव में नहीं है, ना तो योग्यता की बात है ना कहीं कोई और बात है, सिर्फ और सिर्फ जातिगत समीकरण साधने की बात है और जातिगत समीकरण को अच्छी तरीके से साधा गया है, क्षेत्रीय समीकरण को अच्छे तरीके से साधा गया, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ साधा गया क्योंकि यही ट्रेंड इस देश में राजनीति का चल रहा है, इसको अगर कोई बदल सकता है तो जनता बदल सकती है, राजनीतिक पार्टियां तो इस ट्रेंड को कभी नहीं बदलना चाहेंगी, जनता चाहेगी तो बदल देगी, और कुल मिलाकर के अगर इन सारी गणित को बैठा लेने से जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो रोजगार की बात है, जो चिकित्सा सुविधाओं की बात है, जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, और इन सब के ऊपर जो शिक्षा का विषय है, अगर ये नए शिक्षा मंत्री आकर के कुछ ऐसा चेंज करते हैं कि हाँ वहां शिक्षा का प्रकाश इस देश में फैल जाए तो हम मोदी जी के डिसीजन को भी वेलकम करेंगे। कोरोना काल में कैसे जज कर लिया दिलीप जी? अच्छा आप बताइए, चलिए यही बता दीजिए, कोरोना काल में शिक्षा मंत्री ने क्या जज कर लिया, उन्होंने क्या पढ़ाई को लेकर इन लोगों ने जज कर लिया, जब इतने समय से कोई परीक्षा नहीं हो रही, पढ़ाई ठप पड़ी हुई है, इसमें क्या शिक्षा मंत्री की क्या गलती आ गई? कुछ नहीं गलती है, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ गलती की तो कोई बात ही नहीं है, मैंने तो आपसे कहा ना, ना गलती है ना कोई आपकी योग्यता है, यहाँ तो डिस्क्रिशन है, मोदी जी को ये नहीं पसंद है, ना पसंद आने का कारण क्या है ये मोदी जी बेहतर जानते होंगे या अमित शाह जी जानते होंगे या इनके पार्टी के अध्यक्ष जानते होंगे, ये बात तो जैन साहब को भी नहीं पता होगी, और जैन साहब ने अभी कहा कि कई लोगों को मंत्रालय बांटा गया है, अरे भैया अमित शाह जी में ऐसी कौन सी खासियत है कि उनको सबसे बड़ा मंत्रालय गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, और नया जो कोऑपरेशन का मंत्रालय, ये बात सही है कि अमित शाह जी कोऑपरेशन अच्छा बैठा लेते हैं,
पिछले चुनाव में उन्होंने अपने कोऑपरेशन की एबिलिटी का प्रमाण दिया भी है, तो ये जो नया कोऑपरेशन मंत्रालय बनाइए उनको दे दिया गया। तो आप दीजिए, सारे काम करिए, सब करिए, लेकिन कुल मिलाकर जो जनता को चाहिए वो जनता को दे दीजिए, जनता को बस इतनी सी जरूरत है, लेकिन वो जनता को मिलता नहीं है। पेट्रोल देखिए कहाँ जाता चला जा रहा है, दूध के रेट, घी के रेट, तेल के रेट, खाने के रेट, सारे रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरी जेब पे असर पड़ेगा, और मेरी जेब में इनकम नहीं आ रही है। कोरोना ने मार रखा है, गिरती इकोनॉमी ने मार रखा है, ऊपर से सरकार के चालानों ने मार रखा है, सरकार के बढ़ते बिजली के बिल ने मार रखा है, बढ़ते टैक्सेस ने मार रखा है, उसमें कहीं कोई राहत नहीं है। लेकिन इस वक्त तो लेकिन दिलीप जी फोकस सिर्फ भागीदारी पर है, जातीय समीकरण बढ़ाने पर है, उस पर है कि कौन सी जाति को कहां हम सहेज ले, क्योंकि किसानों का भी कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही है, कोरोना के चलते जनता वैसे ही नाराज थी। कीर्ति जी, ये सारे समीकरण बैठा लें, समीकरण बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो समीकरण बैठने के बाद अगर जनता को फायदा देते हैं तो समीकरण अच्छे हैं। जैसे सर्फ का ऐड आता है कि दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं, तो ये नया समीकरण अगर जनता के लिए फायदेमंद है तो समीकरण अच्छे हैं, अगर जनता के लिए फायदेमंद नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। हमेशा ये कहती आई है कि जनता को अब जागने की और बूस्टर लेने की जरूरत है कि उन्हें चुनना किसे है। जनता ही तो नहीं जागती है कि उन्हें चुनना किसे है। मैं सारा का सारा दोष लाकर के अंततः जनता के ऊपर ही मरता हूँ कि ये जनता की गलती है। यही तो कह रहे हैं, जब पसंद ही आ रहा है जातीय समीकरण उन्हें, जब उन्हें पसंद आ रहा है राम मंदिर का मुद्दा, जब उन्हें पसंद आ रहा है उन्हें शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा उन्हें नहीं पसंद आता, इसलिए ये चीजें पार्टी द्वारा किया जाता है वोट हासिल करने के लिए। ये तो जनता चाह रही है ना, इसीलिए किया जा रहा है, इसीलिए अनुप्रिया पटेल की भागीदारी इस समय सुनिश्चित करना जरूरी हो गया। विवेक जी, मैं आप पर आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, अनुप्रिया पटेल को तो हिस्सेदारी दे दी गई, पिछली बार उनकी नाराजगी सामने आई थी, लेकिन लगातार संजय निषाद को आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से उधर उधर भटकने को मजबूर है कि भैया मेरे बेटे को भी कोई सांसद बना दे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आप अनुप्रिया पटेल जी की बात कर रही थी जी। तो आपके संज्ञान में डाल दूं कि अनुप्रिया पटेल जी के ऊपर लखनऊ उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के ही जो इनके अनुप्रिया पटेल और आशीष सिंह पटेल जी हैं, इनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए एक याचिका दाखिल हो गई है, और याचिकाकर्ता मानवेंद्र कुर्मी जी का यह आरोप है इनके ऊपर, क्योंकि याचिका एडमिट कर ली गई है कि अनुप्रिया पटेल जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, पिछड़ों की स्वघोषित नेता है, वह पिछड़े वर्ग को गुमराह करके लगातार जनाधार का बेजा इस्तेमाल कर रही है, और निर्वाचन आयोग को और प्रधानमंत्री कार्यालय को कई भ्रामक ऐसी जानकारियां दी गई हैं जो कि तत्काल रूप से जांच का विषय और जांच के दायरे में लानी चाहिए। उसके अलावा इनके ऊपर धोखाधड़ी कूट रचना का मुकदमा दर्ज करके आय से अधिक संपत्ति बेनामी संपत्ति की जाँच कराने की मांग की गई है, और ये भी कहा गया है कि इनके सहयोगियों के नाम पर भी इनकी कई अवैध संपत्तियां दर्ज है, और प्रधानमंत्री कार्यालय को पूर्ण रूप से गुमराह करने का प्रयास किया गया है इनके माध्यम से। तो एक याचिका इनके खिलाफ दायर हो गई है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको एक चीज देखिए अवगत कराना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से निषाद पार्टी की बात की, तो उन्होंने ये कहा था डंके की चोट पे कि बीजेपी लोकसभा की 40 और विधानसभा की 162 सीट जो थी वो इनके निषाद साहब के दम पर जीती थी, इनके पार्टी के दम पे जीती थी। तो मुझे लगता है कि अब चाल चरित्र और चेहरे का चरित्रार्थ जो प्रारूप है वो तो उनके सामने है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कीर्ति, पता नहीं क्यों आप थोड़ा सा इस चीज को नहीं पकड़ पा रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आगामी 2022 का चुनाव मुद्दों का चुनाव होगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक पटल पे एक वाक्य संज्ञान में डालना चाहता हूँ, हमारे दिलीप भैया भी सामने बैठे हैं, राजनीतिक विश्लेषक इस बात को समझेंगे। हमारी पार्टी में जो फूट पड़ी थी, जिसका पूरा राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास किया था विपक्षियों ने, वो केवल और केवल इस वजह से क्योंकि डीपी यादव को टिकट न देने की जो एक खिलाफत की थी अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि वो राजनीति में अपराधीकरण की परंपरा को चलाना नहीं चाह रहे थे या नहीं लागू करना चाह रहे थे, और उसके कारण हमारी सरकार गई, परिवार के अंदर की बातें सामने आई, जिस तरह से आलोचना झेली। लेकिन आज मुझे गर्व है इस बात का कि कम से कम उन्होंने एक विकासशील मानसिकता के साथ प्रदेश के विकास की और प्रदेश के प्रारूप को बदलने का प्रयास किया। आज उन्होंने जो अपना एजेंडा लाया है, देखिए हमारे आगामी चुनाव में भी अखिलेश यादव जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो एक ट्वीट आया है उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या घोषणा की, 300 यूनिट बिजली फ्री और उसके साथ 10 लाख युवाओं की रोजगार की प्राथमिकता।
बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सरकार, ये सरकार पहली सरकार होगी जहां रोजगार बेरोजगार बना दिया गया और हमारी सरकार घूम रहे हैं कि पहले युवाओं को रोजगार दिया जाए। आधे अधूरे मैं बाकायदा नौकरियों की बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है विवेक जी, ठीक है, समय की थोड़ी कमी है विवेक जी, लेकिन आखिरी प्रश्न यही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अभी ऐलान कर दिया है कि जो नेतृत्व होगा वो योगी आदित्यनाथ का ही होगा, तो क्या चिंताएं बढ़ेंगी विपक्ष की? देखिए हमारी कोई चिंताएं नहीं बढ़ रही है, हमारा अपना एजेंडा सेट है, हमारे पास मुद्दे हैं, हम मुद्दों की राजनीति पे बात करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दल बदलू नेता क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। इनको स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कल अगर दिखेगा कि लाभ उनको समाजवादी पार्टी से, तो हो सकता है वो वहां से यहाँ भी चले आए। तो इस तरह के जो नेता जिसकी एक विचारधारा नहीं है उनको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, केसी जैन जी आपका क्या कहना है? लगातार अब जो है संजय निषाद का भी जो आपकी तरफ ये है रवैया, उनके अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी आ गई है क्योंकि मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं दी गई, ना उनके बेटे को दी गई, उनकी उपमुख्यमंत्री तक की मांग थी, उसके बावजूद आपने उनको तो कहीं देखा भी नहीं, ऐसा क्यों? हमने आपसे पहले ही बताया कि कोई भी सरकार अगर दबाव में रह के कोई भी सरकार निर्णय लेती है तो कोई भी सरकार काम नहीं कर पाएगी और ना तो क्यों उन्हें चाय पे बुला रहे थे, क्यों उनसे चर्चाएं कर रहे थे, क्यों ठाठस बांध रहे थे आप लोग, मत करते ना फिर, क्यों उनको दिल्ली बुला के चाय पिलाई जा रही थी? नहीं 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 देखिए वो अगर कोई मिलना चाहता है, हमारे संगठन से कोई जुड़ा हुआ है तो क्या दिल्ली बुलाना, उससे मिलना, उसके साथ चाय पीना या उसको चाय पिलाना गुनाह है क्या? लेकिन दबाव की राजनीति की नहीं, आप हमको नहीं, नहीं बनाएंगे लेकिन तो उसके बाद एक वो है ना कि एक सहानुभूति दे दी उसके बाद उनको छोड़ दिया, नहीं बनाएंगे तो हम ये कर देंगे, ये राजनीति नहीं चलेगी। देखिए अगर आप सेवा भाव से आप जनता की सेवा करना चाहते तो अनुप्रिया पटेल को क्यों शामिल किया? अच्छा आप जवाब दे दीजिए, अब इस बात का अच्छा आप जवाब दे दीजिए, अनुप्रिया पटेल को आपने क्यों शामिल किया फिर? देखिए हम बता रहे हैं किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, तो उन्होंने भी तो आपसे सीधे सीधे मांग रखी ना। संगठन है हमारे साथ, जो भी संगठन जुड़े हुए हैं, जो भी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं और सबको, जिनको शामिल कर रहे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं और जिनको शामिल नहीं किया उनकी हम गुंडागर्दी, उनकी तरफ से दादागिरी हम झेलेंगे नहीं, इसको कह के आप टाल देते हैं। पत्रकारों से माफी मांग लीजिए कीर्ति जी, मैं चाहूंगा ये पत्रकारों से माफी मांगे आज आपके सामने। देखिए जो लोग दबाव की राजनीति करते हैं और दबाव के आधार दबाव बना करके कि हमको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तब हम आपकी पार्टी के साथ। ठीक है किसी जी, खैर छोड़ दीजिए, आप मानेंगे नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का विस्तार हो सकता है उत्तर प्रदेश में? जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का विस्तार हो सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए उत्तर प्रदेश में विस्तार कब होगा, होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन जिसका विस्तार हुआ है हम लोग उस पे चर्चा कर रहे हैं और जो उस पे भी आप कहां चर्चा कर पा रहे हैं? चलिए ठीक है किसी का जी, उस पर भी आप कहां स्पष्ट कर पा रहे हैं कि क्यों अनुप्रिया पटेल को शामिल किया और क्यों संजय निषाद को आपने गलियों में भटकने के लिए छोड़ दिया है? आप फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, केसी जैन जी आप कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको स्पष्ट करने की जरूरत है कि अनुप्रिया पटेल को आपने क्यों शामिल किया, संतोष गंगवार को क्यों आपने दरकिनार कर दिया, एक इतने अच्छे मंत्री को आपने क्यों साइड कर दिया, साइड बाय लाइन क्यों कर दिया आपने, ये सब आपको स्पष्ट करने की जरूरत है। किसी को साइड नहीं किया गया है, यहाँ पे एकाधिकार नहीं चलता है पार्टी में, एक बार जो बन गया जिंदगी भर के लिए बन गया, ऐसा यहाँ इस पार्टी में नहीं है। लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है वो अब शामिल नहीं होगा, मतलब जो अच्छा काम 8 बार से सांसद आपके बने हुए हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं लगातार, वो उनको शामिल नहीं किया जाएगा, आप ये कह रहे हैं? देखिए देखिए हम वही चीज कह रहे हैं, यहाँ पे एकाधिकार नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी में एकाधिकार नहीं चलता। योग्यता की बात कर रहे हैं, संतोष गंगवार के अंदर क्या योग्यता नहीं थी? मेरा मानना ऐसा नहीं है, आपका मानना होगा, मेरा नहीं है। देखिए योग्यता है, योग्यता के लिए बहुत सारी जगह है, जरूरी नहीं कि उसको कैबिनेट में मंत्री बना के ही उसकी योग्यता स्पष्ट होगी। पार्टी के लिए भी तो काम करना है, संगठन के लिए भी काम करना है, सबको अलग अलग समय पे अलग अलग केसी जैन जी राष्ट्रीय पटल पे पत्रकारों से माफी मांगिए, अभी आपने पुनः अपने चाल चरित्र चेहरे को उजागर कर दिया है, ये कहां पुनः पत्रकार को पीटा है, आपके भाजपाइयों ने पुनः पत्रकार को पीटा है, आपको तब शर्म नहीं आई पंडित दीप्त मिश्र को पत्रकार को पीटा गया है, एबीपी के पत्रकार है, माफी मांगिए, जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, आप बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं पत्रकार 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 के, पत्रकार के आप हितैषी हैं, आपके एक मंत्री ने अच्छा ठीक है, इस मुद्दे को कहीं और मत भटकाइए प्लीज, मैं इस मुद्दे को कहीं और भटकाना नहीं चाहती हूँ, प्लीज केसी जैन जी आप स्पष्ट करके आइए, आप स्पष्ट करिएगा इस चीज को लेकर, किस आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है ये स्पष्ट करिएगा। दिलीप जी मैं आप पर आना चाहती हूँ, लगातार ये बातें सामने आ रही है,
कि हम तो भैया जिनको शामिल करना था उन्हें कर लिया, हम गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, निशान ने जबरदस्ती मांग की इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया। तो क्या अनुप्रिया पटेल ने क्या उन्होंने कोई मांग नहीं करी थी? नहीं, अनुप्रिया पटेल तो बहुत पहले से मांग कर रही थी जब इनका अलायंस हुआ था। उनकी मांग जायज है, संजय निषाद की मांग जायज नहीं है भाजपा के लिए? अब इनके नजरिए से देखेंगे तो जायज है, और जायज यूं कह सकते हैं कि वो बहुत दिनों से मांग कर रही थी। संतोष जी अभी अभी नए नए पैदा हुए थे, अभी उन्होंने मांगा, उनको कैसे मिल जाएगा? जैसे मैंने कहा, आपको एग्जांपल दिया कि सिंधिया साहब इतने दिन से लगे थे कांग्रेस में आने के बाद, तो अब उनको बड़ा मंत्रालय मिला है, जितिन प्रसाद को नहीं मिला है। इसी तरीके से अनुप्रिया पटेल शुरुआती दौर के गठबंधन से हैं तो उनको दे दिया गया। संतोष जी अभी आए हैं, अभी उनकी परख होगी कि कितने मजबूत हैं अपनी बातों को लेकर के, कितना ये पार्टी को फायदा करा सकते हैं। जितना ये पार्टी को फायदा कराएंगे उसका कुछ पार्ट उठा करके उनको दे दिया जाएगा। देखिए, तो गिव एंड टेक का बिजनेस है कि आप पार्टी को कितना फायदा करा सकते हैं, या आपके पार्टी में आने से या आपके चेहरे से पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं। जितने वोट आप दिलवा देंगे उतना ही बड़ा मंत्रालय आपको दे दिया जाएगा या उतना बड़ा पदभार आपको दे दिया जाएगा। तो संतोष जी को अपनी क्रेडिबिलिटी अभी साबित करनी है, इसलिए उनको नहीं दिया गया। अनुप्रिया पटेल साबित कर चुकी थी पिछली बार, इस बार फिर वो 22 का चुनाव चुकी यहाँ पर भी है और भागीदारी नहीं थी। अजय मिश्र टेनी को भी अवध से उन्होंने बेल्ट से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, राज्य मंत्री बना दिया। बड़े दुख की बात है कीर्ति जी, मैं इस बात को हमेशा डिस्करेज करता हूँ कि ये जो हम डिस्कशन करते हैं बैठ करके कि ब्राह्मण का चेहरा, ठाकुर का चेहरा, एससी का चेहरा, ओबीसी का चेहरा, ये इस देश के प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और आज की डेट में सबसे बड़ी खराबी क्या है कि आम जनता ने इस स्ट्रेटजी को सहस्त्र स्वीकार कर लिया है कि राजनीति ऐसे ही चलती है। राजनीति के आधार पर, योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाती तो अच्छा लगता, ये बताने में, ये चर्चा करने में नहीं होता है ना। आप देखिए कि आज की डेट में कोई युवा जो IIT और IIM से पढ़ के निकलता है वो ये कभी नहीं कहता है कि मैं संसद में बैठ करके इस देश के डेवलपमेंट का काम करूंगा। वो कहता है मैं किसी बड़े कॉर्पोरेट में जाकर के नौकरी करूंगा, फॉरेन चला जाऊंगा, क्योंकि उसको पता है कि राजनीति में गंदगी बहुत है, राजनीति में काबिलियत की जरूरत ही नहीं है। राजनीति जो है वो सर गिनाने का काम है। आप कितने सिर गिना पाते हैं आप उतने बड़े काबिल हो जाते हैं। आप किस जाति का कितना बड़ा चेहरा है वही आपकी योग्यता मान ली जाती है, इसके अलावा आपके अंदर कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता होने की जरूरत भी नहीं है। आप कितने बड़े दंतबंदी हैं, आप किस तरीके से वोट की साठगांठ और जोड़ तोड़ कर लेते हैं, यही आपकी योग्यता है राजनीति में। हालांकि राजनीति इसका नाम नहीं है, राजनीति ये नहीं होती है, लेकिन ये ट्रेंड पड़ चुका है और कमोवेश हर राजनीतिक पार्टी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, जाती है कि जाती ही नहीं है, ये भी दिक्कत बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बड़ी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें तीन जातियों को मिलाकर एक ब्राह्मण समाज के साथ साथ राज्य मंत्री बनाए गए। हालांकि कैबिनेट में किसी को जगह नहीं दी गई है, लेकिन लगातार जो चर्चा हो रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि जातीय समीकरण साधने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन यही मंत्रिमंडल का विस्तार अगर मेरे मानने से मेरिट और योग्यता के अनुसार होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ये जिम्मेदारी जनता की भी बनती है कि वो चुनावों में किस मुद्दों को लेकर, किन चीजों को लेकर वोट डालेगी। हालांकि क्या उनके लिए जरूरी उनके रोजमर्रा के मुद्दे हैं, ग्राउंड लेवल के जो मुद्दे होते हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधी, उनके शिक्षा से संबंधी, उनके महंगाई से संबंधी, ये मुद्दे उनके लिए जरूरी हैं, या जातीय समीकरणों पर वो सद जाएंगे। हालांकि जो पूरा इवेंट बीजेपी के द्वारा बनाया गया है जिसपे साधने की कोशिश कई वर्गों को की गई है और अनुसूचित जाति के लोग भी कई समय से नाराज चल रहे थे जिसके चलते अनुप्रिया पटेल को भी अब मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। देखना अहम होगा कि 2022 के चुनाव में और क्या कुछ उठा पटक होती है, क्योंकि अभी 6 महीने बाकी है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप बता नहीं सकते कि कौन से पल कौन सी बड़ी राजनीति में मोड़ आ जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और मेरे साथ देखते रहिए प्राइम TV।